हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग अपने पाइथन के 33 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा पाइथन का लेक्चर नंबर 34 है और जो आज से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ था, चैप्टर नंबर हमारा क्या है, 10 है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कंप्लीट लाइब्रेरी फंक्शंस आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम लोग देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो हम लोग जब लाइब्रेरी फंक्शंस पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों से बोला था कि जैसे आज हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर रहे हैं, वैसे हम लोग क्या सीखेंगे, खुद के लाइब्रेरी फंक्शन बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा वो चैप्टर आ चुका है जिसमें हम लोग सीखेंगे खुद के अपने लाइब्रेरी फंक्शन कैसे बनाएं, जैसे कि SQRT हो गया, POW हो गया और जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्ट्रिंग के मेथड पढ़े थे। तो अगर हम लोग इस तरह से क्या बनाने हैं, अपने खुद के फंक्शन बनाने हैं, तो वो कैसे बनाते हैं आज हम लोग इस वाली क्लास में अपना देखेंगे। ठीक है, और क्लास में मैं आपको एक ही क्लास में सब कुछ बनाना सिखाऊंगा, कितने टाइप्स के होते हैं तो सब कुछ मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा। ओके, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, यहां पर मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। ओके, और इसके साथ साथ जो लोग भी चैनल पर नए आए मैं उनको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारी पाइथन लैंग्वेज अब लास्ट चल रही है। काफी हम लोगों ने यहाँ पे 10 चैप्टर अपने लगभग कंप्लीट कर लिए, 10th चैप्टर आज हमारा स्टार्ट हो रहा है और ये भी हम लोग आज लगभग अपना खत्म कर ही लेंगे। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आप लोग का यूजर डिफाइंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और काफी यूजफुल भी है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा था लाइब्रेरी फंक्शन होने से हमारा काम काफी आसानी से हो जाता था, इसी तरह से क्या देखेंगे हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन से भी हमारा काम अपन और भी ज्यादा आसानी से करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन पे। अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज ऑन, ठीक है, अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स ऑन अ डेटा एंड मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। व्हेन सेम कोड इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट नंबर ऑफ टाइम वी कैन राइट अ फंक्शन। ठीक है, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हमें एक ही कोड को बार बार राइट करने की जरूरत पड़ रही होती है या हमें जरूरत होती है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एक फंक्शन बना देंगे। ठीक है, सेम कोड इज रिक्वायर टू एग्जीक्यूट नंबर ऑफ टाइम वी कैन राइट अ फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन हम लोग राइट करेंगे फॉर इट एंड देन कॉल दिस फंक्शन एज मेनी टाइम्स एज नीडेड। ठीक है, एक बार हम लोग फंक्शन बना लेंगे फिर उसको हम लोग कितने बार भी कॉल कर लेंगे। अब होता क्या है, यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। ठीक है, दो स्टेप की प्रोसेस होती है। पहला हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद फिर क्या करना पड़ता है, इनवोक करना पड़ता है। इनवोक मतलब फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या सबसे पहले आप लोग को यह समझना होगा कि आखिर ये फंक्शन की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, तो फंक्शन की आखिर रिक्वायरमेंट क्या थी, क्योंकि यहां पर देखिए एक लाइन तो लगी है, व्हेन सेम कोड इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, जब एक ही कोड की जरूरत पड़ेगी बहुत बार तो हम लोग किस पे आएंगे, फंक्शन पे आएंगे और फिर उसको क्या करेंगे, बार बार कॉल करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं विदाउट फंक्शन क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि विदाउट फंक्शन क्या प्रॉब्लम थी और विद फंक्शन से हमारी कैसी सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। सबसे पहले मान के चलिए मैंने यहां पर लिखा ए की वैल्यू हमारी 10 है और बी की वैल्यू मैंने यहां पर लिखा 20 है। ठीक है, और इसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया प्रिंट और इसमें मैंने यहां पे लिखा एडिशन इज इक्वल टू, तो एडिशन इज इक्वल टू यहां मैंने सिंपल से लिख दिया ए प्लस बी। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया सिंपल से ए प्लस बी। इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहां पे सेम काम को अगेन कॉपी किया, यहां मान के चलो मैंने यहां पे निकाला है डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन और यहां पे मैंने निकाला है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहां पर मैंने निकाला है मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, वैसे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो होनी रही होगी। यहाँ पे सिंपल सा मैंने दो वेरिएबल लिए हैं और उसमें मैंने क्या कर दिया है, जस्ट यहाँ पर लॉजिक लगा दिया है, किसका, अर्थमेटिक्स वाले सारे लॉजिक मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर बस मैसेज चेंज कर देते हैं, मैसेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और उसी तरह से नीचे आपका जो मैसेज रहेगा वो मैसेज हमारा हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये जो रहा आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे, अब यहां पर हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। वन मिनट, ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये तो सिंपल सा प्रोग्राम है। अब मैंने यहां पे क्या किया है, वन और फिर से मैंने यहां पे इनटू दिस वन और यहां पर ये क्या, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि बिना फंक्शन के क्या प्रॉब्लम होती है, फंक्शन नहीं होते हैं। यहां देखिए 100 किया मैंने, यहाँ पे 200 कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 1000 कर दिया और यहाँ पर मैंने 2000 कर दिया और इसी तरह से मैंने यहाँ पर अगेन ये कॉपी पेस्ट किया और कॉपी पेस्ट करने के बाद ये मैंने यहाँ पे करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया 10000 और यहाँ पर कर दिया मैंने इसको सम 20000। ठीक है, ये कोडिंग मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने करके रख दी है। अब आप लोगों को एक बात क्लियर समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे कोई एरर तो आने नहीं वाले। ठीक है, यहाँ पर आपका एडिशन कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका एडिशन 30 और जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का आएगा एडिशन। अब एक काम करते हैं, इसमें माइनस में ना लेके हम लोग क्या करते थे, इसकी वैल्यू को 20 कर देते हैं। ठीक है, ताकि माइनस में आंसर ना, इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना होगा आपका 20 - 10 = 10 और यहाँ पे कितना आएगा 200। सिमिलरली सारे एग्जीक्यूशन हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 200, यहाँ पर मैं 200 को ऊपर कर देता हूँ, नहीं तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर कर दिया मैंने 100। सिमिलर यहाँ पे 1 को हटा के 2 और इसके प्लेस पे 1। ओके, अब यहाँ पर ये प्रोग्राम एक बात तो क्लियर है, परफेक्ट वर्क करेगा। ये देखिए मैंने F5 प्रेस किया, F5 प्रेस करने के बाद मैंने इसको किया है सेव, ठीक है, 1 मिनट मैं इसको F5 प्रेस करते हैं और यहाँ पे सेव करने के लिए आएगा। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है, तो मैंने लग दिया फंक्शन के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, FUNCTION और PROB, ठीक है, फंक्शन प्रॉब्लम। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको आंसर बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा, ये देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, पहले का 30 फिर 10 फिर 200, नेक्स्ट हमारा एडिशन कितना आएगा 300, 100 और ये 20,000, ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट काम हुआ है। सबसे पहले आप लोग ये देखिए जो हम लोगों ने किया है बिल्कुल सही किया है, बस यहाँ पे क्या है डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स पे हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन करके यहाँ पर क्या लिखा है, अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन निकाला है, ठीक है, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोगों ने परफॉर्म किया। अब यहाँ पर आप लोगों को एक प्रॉब्लम दिख रही होगी कि जब हमने इसकी कोडिंग की तो सबसे पहले तो ये देखिए आपको 3 चीजें बार बार रिपीट होते हुए दिख रही है यहाँ पर, ये देखिए ये जो लाइनें हैं 3-3 लाइनें, ये हमारे 4 टाइम रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर कितनी लाइनें हमारी वेस्ट हो रही हैं, लगभग 12 लाइनें हमारी यहाँ पे वेस्ट हो रही हैं, है ना, यहाँ पे देखा जाए तो कोडिंग कितनी हो गई, काफी ज्यादा बड़ी कोडिंग हो गई है, और कोडिंग में सबसे ज्यादा आप लोग देख रहे होंगे 3 लाइन हमारे रिपीटेशन हो, मतलब क्या हो रहा है एक ही चीज हमें बार बार यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है इससे आपकी स्पीड कम होगी प्रोग्राम की। जब हमारा यहीं पर बात आती है कि जब हमारा क्या है एक ही चीज, मतलब सेम लॉजिक हमें बार बार जरूरत पड़ रही है, तो हम लोग क्या है ये एक प्रॉब्लम होती है मार्केट की, उससे अगर हम लोग देखा जाए मार्केट के हिसाब से तो क्या है ये IT इंडस्ट्री में क्या एक प्रॉब्लम है, जब हमें सेम ही चीज बार बार करनी है तो हम उसको रिपीट क्यों कर रहे हैं। दूसरी आप यहाँ पे जब लाइन काउंट करेंगे तो लाइन कितनी जा रही है हमारी, एक प्रोग्राम में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, लगभग 20 लाइन की कोडिंग करनी पड़ी हमें इतना सा काम करने के लिए। जब हमने यहाँ पे आउटपुट देखा आपने तो आप आउटपुट देखिए यहाँ पे ये आउटपुट आया है, उसके लिए हमें 20 लाइन की कोडिंग करनी पड़ी, और 20 लाइन की कोडिंग में भी देखा जाए तो हमारी इसमें 12 लाइन की कोडिंग बिल्कुल वेस्ट है। क्यों है वेस्ट, क्योंकि जब हमारा एक ही बार हमें जब एक ही काम बार बार करना है तो हम लोग इसको बार बार क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है विदाउट फंक्शन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी तो देखो डेफिनेशन अब क्लियर हो गई, When same code is required to execute number of time, we can write a function. मतलब क्या है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें किसने दिया है, फंक्शन ने दिया है। क्या करो जब भी आपको सेम कोड क्या है बार बार जरूरत पड़ रही है तो उसको बार बार यूज ना करके क्या करो एक फंक्शन बना लो और उस फंक्शन के अंदर इस कोड को डाल दो और उसके बाद क्या कर लो उसको कितने बार भी आप उसको कॉल कर सकते, ठीक है। तो देखिए चलिए सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, ये आपके सामने प्रॉब्लम मैंने आपको लिख दी है, बट आंसर तो आ रहा है लेकिन क्या होगा इससे प्रोग्राम की क्या स्पीड कम हो जाएगी और ये कंसाइज कोड नहीं है, क्योंकि पाइथन क्या है बहुत ही इजी होती है और उसमें कोडिंग हमारी बहुत ही कम होती है, लेकिन अगर इसके हिसाब से करेंगे तो कोडिंग हमारी काफी ज्यादा है, तो ये हमें बिल्कुल भी सही तरह से मार्केट में रिकमेंडेड नहीं है। क्या करेंगे हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है, अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा लेकिन अभी आप सॉल्यूशन देखिए इसका, फंक्शन कैसे डिफाइन करती है, इसमें डेफ लिखती है, सबसे पहले कीवर्ड है फंक्शन का नाम। अब देखिए यूजर डिफाइन फंक्शन है तो देखिए कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है पहले से बना होगा, अब हम लोग क्या करेंगे खुद के फंक्शन बनाना सीखेंगे, ठीक है। सपोज मैंने इसका नाम रख दिया, मान के चलिए मैंने इसका नाम रख दिया अर्थमेट, या फिर लिख दिया मैंने ARITH, ठीक है, और ये अर्थ और यहाँ पे लगाया मैंने ये कॉलर। अभी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कैसे हो रहा है कैसे क्या करना है। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे मैंने मान के चलिए यहाँ लिखा A, B, ठीक है, सिंपल सा मैंने लिखा A, B और यहाँ पर जस्ट मैंने ये सब हटा दिया यहाँ से, और जो ये मैं जो कोड कौन सा रिपीट हो रहा था हमारा बार बार, ये वाला कोड हमारा बार बार रिपीट हो रहा था, तो इस कोड को मैंने किस में लिख दिया फंक्शन के अंदर लिख दिया। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये मैंने फंक्शन के अंदर लिख दिया, अब हमें यहां से सारे चीजें यहां से हटा देंगे, ये देखिए सब कुछ हटाया। अब मुझे मान के चलिए एड करना है 10 और 20 को, ठीक है, और इसके बाद मुझे एड करना है मान के चलिए, बिल्कुल आप आंसर देखिएगा जैसा आंसर हमारा तब आया था बिल्कुल वैसे आंसर हमारा आएगा। यहां मैंने कहा इस तरह से और यहां पर मैंने इस तरह से ले ली वही वैल्यू, और यहां पे किया 200, यहां पे किया आपका 100, यहां पे किया मैंने 2000, यहां पे किया 1000, यहां पे किया आपका 20,000 और यहां पे किया 10,000, ठीक है। अब आप पहले तो इसकी कोडिंग की लाइन देखिए, वो वाले कितनी कोडिंग होती है हमारी 20 लाइंस की कोडिंग थी, अब जरा इसकी काउंट करिए 4, 4, 6, 8, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ F5 प्रेस, अब आप देखिए जरा जब मैंने F5 प्रेस किया क्या बिल्कुल सेम आंसर नहीं आया, ये देखिए पहली वाली कोडिंग का आंसर देखिए
और इस वाली कोडिंग का आंसर देखिए, देखिए दोनों में आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो आपने देखा ना कैसे फंक्शन की मदद से हम लोगों ने एक तो अपने प्रोग्राम का साइज छोटा कर लिया है, दूसरा जब एक ही कोड बार बार रिपीट हो रहा था तो हमने क्या किया, उस कोड को एक किसके अंदर रख दिया, एक फंक्शन के अंदर उस कोड को हम लोगों ने लिख दिया और उसके बाद हमने क्या कर लिया, कॉलिंग कर ली। इसी को बोलते हैं हम लोग डिफाइनिंग अ फंक्शन और इसको बोलते हैं हम लोग कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि फंक्शन के ना होने से क्या प्रॉब्लम थी और जैसे ही हमने फंक्शन लगाया तो कितना ईजी और कितना छोटा ये प्रोग्राम बन गया। कहां 20 लाइन का प्रोग्राम था और कहां अगर आप देखेंगे तो बहुत से बहुत 8 लाइन का प्रोग्राम ये हमारा हो गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम आ रही थी बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी कि हम लोगों ने फंक्शन से कैसे सॉल्यूशन किया। डोंट वरी, अभी ये सब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हमने ये फंक्शन बनाया, कैसे बनाते हैं, सब लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई है कि जब मैं F5 प्रेस कर रहा हूं तो जो आंसर हमारा उस लॉन्ग कोडिंग से आ रहा था वही आंसर हमारा इस छोटी सी कोडिंग से भी आ रहा हो। तो ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा पाइथन कितनी ईजी लैंग्वेज है, बस हमें इसके कॉन्सेप्ट आना चाहिए और बहुत ही शानदार हमारा यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स होंगे। अब यही चीज हमारी क्या होती है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अभी तक हमने ने क्या यूज किया, SQRT यूज किया, एक्सपोनेंशियल यूज किया, साइन कॉस टेन यूज किया और बहुत सारे हम लोगों ने स्ट्रिंग के फंक्शन यूज किए। तो ये वो सब क्या थे, प्रीडिफाइन थे, मतलब लाइब्रेरी फंक्शन थे। आज हम लोगों ने क्या सीखा, अपना खुद के फंक्शन बनाना। अब ये सब बनाते कैसे हैं, इसके लिए मैं आपको बताता हूं कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं अपनी कोडिंग इसमें डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था, यूजर डिफाइंड फंक्शन इज अ टू स्टेप प्रोसेस। पहला होता है डिफाइनिंग अ फंक्शन। ठीक है, अभी मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था पूरा, अब आपको समझ में आएगा वो एग्जांपल मैंने कैसे बनाया। तो देखिए डिफाइनिंग अ फंक्शन के लिए सबसे पहले तो देखिए सिंटैक्स आना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी वहां पर बनाया था। तो सिंटैक्स आपका होगा सबसे पहले डेफ। ठीक है, डेफ क्या है, कीवर्ड है। इसके बाद आता है आपका फंक्शन नेम। ठीक है, डेफ के बाद आएगा आपका फंक्शन नेम, ये हो गया आपका फंक्शन नेम। फंक्शन नेम के बाद फिर हमारा होगा यहाँ पे लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट। ओके, ये हो गया हमारा लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कॉलन। ओके, कॉलन के बाद फिर होता है इसके बाद फंक्शन की बॉडी, या बोल सकते हैं फंक्शन बॉडी स्टेटमेंट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन बॉडी, मतलब जो भी हम उसके अंदर करना चाह रहे हैं फंक्शन बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दो चीजें होती हैं और हम लोग इससे फंक्शन से रिटर्न भी ले सकते हैं वैल्यू, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे हम लोग रिटर्न लेंगे। वेरिएबल लिख सकते हैं, रिटर्न वेरिएबल। ओके, ये तो आपका था डिफाइनिंग अ फंक्शन, इस तरह से डिफाइन होता है। अब जरा आप कोडिंग देखिए जरा कैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ था, अब कोडिंग आपको क्लियर समझ में आएगी। ठीक है, वन मिनट, मैं आपको कोडिंग पे ले चलता हूँ। ये वाली कोडिंग अब आप देखिए, इसको हम क्लोज कर देते हैं। पहले तो मैंने आपको डिफाइनिंग में बताया, तो डिफाइनिंग के सबसे पहले कोडिंग सिंटेक्स के अकॉर्डिंग देखिए वर्क चल रहा कि नहीं चल रहा। ये देखिए सबसे पहले क्या था, कीवर्ड डेफ, तो मैंने यहाँ पे डेफ लगाया। फिर क्या था, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम मैंने अर्थ लिया। यहाँ पे फिर लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट में मैंने ए और बी लिया। ठीक है, तो ये तो फंक्शन, फंक्शन बॉडी के अंदर मैंने इतनी चीजें यहाँ पे जो मुझे काम करवाना था वो मैंने लॉजिक यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बाकी रिटर्न का यूज मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है फंक्शन कॉलिंग का, और फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है ये देखिए, ये होती है सीधी फंक्शन नेम और वैल्यूज। ठीक है, फंक्शन नेम या आर्गुमेंट, तो फंक्शन का नेम क्या है हमारा, ये रहा, और आर्गुमेंट क्या है, 20 और 10। मतलब ये है कि जो 20 है ये हमारा ए के अंदर चला जाएगा और जो हमारा 10 है वो हमारा बी के अंदर चला जाएगा और यहां पर वो ऑपरेशन आपके परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो जो पहला वाला आउटपुट आया वो इस तरह से है। फिर हमारा 200 ए में जाएगा और 100 हमारा बी में जाएगा। सिमिलरली फिर हमारा 2000 ए में जाएगा और 1000 बी में जाएगा। फिर हमारा 20000 ए में जाएगा और फिर 10000 हमारा बी में जाएगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, ये जो कोडिंग है, ये ऑटोमेटिक जितनी बार हम लोग कॉलिंग करेंगे उतनी बार ये वाली कोडिंग हमारी यूज होगी। ठीक है, तो एक तरह से कैसे काम करता है, जैसे कि आप लोगों ने लूप पढ़ा हुआ था लेकिन उसमें हमें डिफाइन करना पड़ता था, यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन के द्वारा वो काम किया। जितनी बार भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उतनी बार उसको कॉल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी था, व्हेन सेम कोड इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट नंबर ऑफ टाइम वी कैन राइट अ फंक्शन ऑन इट एंड देन कॉल दिस फंक्शन एज मेनी टाइम्स एज नीडेड। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में मैंने आप लोग को बता दिया है, आई होप आप लोग बिल्कुल क्लियर हो गया। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए क्योंकि हर एक चीज को मैं डिटेल में बता रहा हूं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए क्योंकि इतना ईजी वे में आपको पूरी यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, अभी हम लोग और भी ज्यादा डिटेल में जाने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब हम लोग देखते हैं, ये तो मैंने आपको कॉलिंग बता दिया लेकिन मैंने अभी इसका सिंटेक्स नहीं बताया। तो देखिए कॉलिंग के भी हमारे 4 सिंटेक्स होते हैं वैसे, लेकिन वो मैं आपको सीधा एग्जांपल में बताऊंगा क्या है। वैसे अभी जो हम लोगों ने कॉलिंग की है वो हम लोगों ने कॉलिंग कैसे की है, फंक्शन नेम से। तो अगर सिंटेक्स देखा जाए तो क्या आएगा, फंक्शन नेम, और यहां पर लिख सकते हैं हम लोग
या तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज लिख सकते हैं, जैसा फंक्शन रहेगा उस तरह से लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया लिस्ट ऑफ वैल्यू, तो पहला सिंटैक्स के अकॉर्डिंग अभी हम लोगों ने इसी तरह से कॉलिंग की हुई थी। ठीक है, ये आपके सामने एग्जांपल, क्योंकि पहले हम लोगों ने क्या देखी, प्रॉब्लम देखी, जो फंक्शन के द्वारा जो प्रॉब्लम आ रही थी, फिर हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन इस तरह से किया। अब हम लोग देखते हैं छोटा मोटा प्रोग्राम, पहले आपको बना के बताते हैं। जैसे कि मान के चलिए मुझे अब जो प्रोग्राम बनाना है वो मुझे बनाना है दो नंबर के एडिशन करने का। ठीक है, तो वैसे हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे ईजी वे में मैं आपको बता रहा हूं। अब एक और आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, जितने प्रोग्राम अभी तक हम लोग अपने पढ़ चुके हैं पाइथन में, वो सब हम लोग फंक्शन से बना सकते हैं। मान के चलिए मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं, चलिए ओ लेवल का नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि यूजर डिफाइन है, कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे दो नंबर को ऐड करना है। ठीक है, तो अच्छा एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे मैंने वहां पे कॉलिंग डाली हुई थी तो मैंने 10:20 नीचे से सेंड किया था, आप लोग चाहे तो रन टाइम पे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, रन टाइम पे भी करेंगे तो भी आपका हो जाएगा, तो आप लोग रन टाइम पे ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट भी बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा डेव और मैंने फंक्शन का नाम रख दिया ओ लेबल। इसके अंदर मैंने मान के चलिए मुझे एडिशन करने है, तीन नंबरों को ऐड करना है। ठीक है, दो का ना करके तीन का करना है, मैंने लिया ए बी सी और इसके बाद मैंने यहां पे कर दिया सीधा सीधा ऐड। ठीक है, तो ऐड कैसे करेंगे, चाहे तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैंने कहा प्रिंट और इसके अंदर मैंने डायरेक्ट लिख दिया एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स। ठीक है, थ्री नंबर्स, तो यहां पे लिख दिया एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स इक्वल टू, किस में है ये हमारा, अभी हमें तो डायरेक्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, आप लोग चाहो तो किसी वेरिएबल में भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहां से जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो मेन प्रोग्राम होता है। ठीक है, अब हम यहां से जस्ट क्या करेंगे, ओ लेवल को कॉल करेंगे, तो मैंने यहां पर ओ लेवल को कॉल किया, मैंने बोला 10, 20 और 30। ठीक है, बस इतना सा काम करने के बाद, जैसे मैंने यहां पे मैंने F5 प्रेस किया, F5 प्रेस करने के बाद इसको मैंने सेव कर दिया, सेव करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे परफेक्ट हमारा आंसर आएगा, जो कि 60 आंसर हमारा आने वाला है। ठीक है, एडिशन ऑफ थ्री नंबर इस तरह से। तो यहाँ पर हमने ये क्या किया, डिफाइनिंग अ फंक्शन, ये क्या किया इनवोकिंग अ फंक्शन या कॉलिंग अ फंक्शन, और ये नेम कौन सा हमारा, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, ये हम लोगों ने अपने मन से डिफाइन किया हुआ, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन अपने बना सकते हैं। कोई और प्रोग्राम देखना चाहे तो आप और भी बना सकते हैं। मान के चलिए हम लोगों ने पीछे जैसे कि क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ सर्किल पढ़ा था, हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ा था, तो वो सब भी हम लोग यहाँ पर परफेक्टली कर सकते हैं, हर चीज को एक फंक्शन में बना के लिख सकते हैं। मान के चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, जिसमें मुझे क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और उसी के नीचे मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल भी कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ पर दो फंक्शन बनाने हैं। मैंने लिखा यहाँ पर डेफ, डेफ लिखने के बाद मैंने यहाँ पर सिंपल सा दे दिया है, जैसे पहले मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दिया है सपोज सिम इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल सा मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दिया सिम इंटरेस्ट, कुछ भी दे सकते हैं। अब देखिए नीचे से हमारे पास क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा, रेट आएगा और टाइम आएगा। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट के लिए मैंने वेरिएबल SI इक्वल टू, सेम प्रोग्राम है बस हम लोग फंक्शन से कर रहे हैं, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। सिंपल हमारा आंसर किसके अंदर है, वो हमारा इसके अंदर है, जिसमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ मैंने मैसेज लिखा है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा सब प्रोग्राम होते हैं, हम लोग छोटे छोटे फंक्शन बना के उनके अंदर प्रोग्राम लिख सकते हैं, एक ही प्रोग्राम में सब कुछ कर सकते हैं। ओके, अब मैं यहां से क्या स्टार्ट होगा, हमारा मेन प्रोग्राम होगा। अगर आप रन टाइम पे वैल्यू देना चाहें तो मैं एक प्रोग्राम बता देता हूं, तो चलिए मैं यहाँ पे रन टाइम पे दे रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा P1, एक वेरिएबल लिया, एंट इनपुट, क्या लिखेंगे, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, तो मैंने यहाँ पे लिखा एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, ये हो गया आपका रन टाइम वाला भी एक प्रोग्राम मैंने बता दिया है, बाकी आप कोई भी कर सकते हैं। देखिए मैंने सेम वेरिएबल नहीं लिया, आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सेम नहीं लिया, क्योंकि अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग स्कोप देखेंगे, तो फिर उसमें आपको पता चलेगा सेम वेरिएबल लेने से होता क्या है। तो यहाँ पे अगर आप लेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे लिखे एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे हम लोगों ने लिखा, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एंटर टाइम, तो यहाँ पे लिखते हैं एंटर टाइम, तो एंटर जैसे टाइम हम लोग एंटर करेंगे तो जो भी हम लोग एंटर करेंगे वो टाइम वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, T1 के अंदर आ जाएगा। तो मतलब जितने भी हमारे वेरिएबल है वो किसमें आ गए, जितनी वैल्यूज होंगी वो हमारे वेरिएबल है जो है P1 R1 और T1 उसके अंदर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब जस्ट हमें करना क्या है, अब हमें अपने फंक्शन को कॉलिंग करनी है, तो फंक्शन का नाम क्या है हमारा, सिम इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिम INTEREST, ठीक है, सिम इंटरेस्ट मैंने फंक्शन का नाम, यहाँ पे हम लोग जस्ट पास करेंगे अपने वेरिएबल P1 R1 और यहाँ पर T1 मैंने यहाँ पे पास किया, और जस्ट यहाँ पे मैं F5 प्रेस करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे F5 प्रेस करूंगा तब आप लोग देखेंगे सबसे पहले हमसे वो रन टाइम पे वैल्यू पूछेगा। तो यहाँ पे मैंने F5 पूछा, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने कहा 5000,
उसके बाद उन्होंने मैंने एंटर किया तो उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने कहा 5.2, लेकिन नहीं डाल पाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लोट नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया है तो मैं पॉइंट वाला नहीं ले रहा हूँ। और इसके अंदर 4 ईयर, जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा आपका ये, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं हमारा फंक्शन परफेक्ट वर्क कर रहा कि नहीं। प्रिंसिपल कितना हमारा 5000 इंटू रेट कितना है 5 इंटू टाइम कितना है 4 और डिवाइडेड बाय कितना करना है 100, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1000 ही हमारा आंसर आने वाला है। तो ये आ गया हमारा 1000। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। हम लोग एक प्रोग्राम के अंदर, जरूरी नहीं है एक ही फंक्शन बनाए, हम लोग मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये वाला आपका काम किसका हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का हो गया। मैंने इसके नीचे मान के चलिए मुझे कैलकुलेट करना था एडिशन, वो भी आप लोग निकाल लेंगे। ओके चलिए मैं एक सर्कल वाला बता देता हूँ, मान के चलिए इसके नीचे मुझे सर्कल वाला एग्जीक्यूट करना था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सर्कल लिखा, और सर्कल के लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस के बाद मैंने जस्ट यहाँ पे क्या किया, मान के चलिए एक वेरिएबल लिया तो 3.14 आर पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, जस्ट प्रिंट में यहाँ पे लिख दिया है एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू किसके अंदर है, हमारा ए आर के अंदर है। तो जस्ट यहाँ पे ए आर मैंने लिख दिया है। अब जस्ट हमें क्या करना है, जैसे ये वाला मैंने कैलकुलेट किया, इसके नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेडियस के लिए भी बोल सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा आर वन इज इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ पे फ्लोट, फ्लोट के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर रेडियस फ्लोट, और इसके अंदर आएगा इनपुट, और यहां लिख दिया एंटर रेडियस। ओके इसके बाद क्या करेंगे, जस्ट कॉलिंग, कॉलिंग कैसे डालते हैं आपको पता है, सर्कल सी आई आर सी एल ई सर्कल, यहाँ पे R1 को हम लोग पास कर देंगे। जैसे इसमें पास करेंगे F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने कहा 6000 रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये मैंने एंटर। अब मुझसे पूछा रेडियस तो मैंने कहा 3.2, तो हमारा यहाँ पे सर्किल भी कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो कितने भी फंक्शन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, एक पूरी मेंसुरेशन से मेंसुरेशन का पूरा फंक्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें आप लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन सब कुछ निकाल के आप लोग कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फंक्शन आप लोग बनाना सीख गए होंगे और फंक्शन की कॉलिंग करना भी आप लोग सीख गए। जैसा सिंटैक्स ने कहा हमने सिर्फ वैसे ही काम किया और अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन नेम लिस्ट ऑफ वैल्यू, फंक्शन नेम लिस्ट ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये हम लोगों ने कॉलिंग करना सीख लिया। तो ये हमारा क्या था, फंक्शन का कॉन्सेप्ट था, कैसे हम लोग फंक्शन बनाते हैं। आई होप अभी तक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर हमारे फंक्शन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो वो फंक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि अभी मैंने जो आपको बताया है यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना, एक्चुअली मैंने आपको एक टाइप का ही, एक जो हमारा टाइप है उसका ही मैंने आपको एक पार्ट सिखा दिया है। एक्चुअली जो फंक्शन है वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो फंक्शन को हम लोग 4 टाइप्स से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन है, इसमें आप लोग सीखेंगे तो और कैसे कैसे हम लोग, तो बनाने का काम वही है, बस कॉलिंग थोड़ा सा अलग अलग कर सकते हैं, डिफाइन भी हम लोग 4 तरीकों से कर सकते हैं। अब जो डिफाइनिंग करने के तरीके क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका होता है फंक्शन विद इनपुट आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, ठीक है। और जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, पहले मैं आपको जो बता देता हूँ जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों ने भी जो फंक्शन पढ़ा है हम लोगों ने पढ़ा है फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट, ठीक है, फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, दूसरा हमारा होता है फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, ठीक है। यहां पर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, तो मैं आपको सभी का एग्जांपल बताऊंगा और एक ही प्रोग्राम से बताऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप होता है फंक्शन विदाउट इनपुट आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, तो नेक्स्ट हमारा टाइप है फंक्शन विदाउट इनपुट आर्गुमेंट, वन मिनट, फंक्शन विदाउट इनपुट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अभी अब उसका यूज होने वाला है जो रिटर्न की मैं आपको बात कर रहा था, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर है फंक्शन विदाउट इनपुट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप, ठीक है। लास्ट हम लोग देखते हैं, 4 तरीके के फंक्शन होते हैं और सभी लैंग्वेजेस में होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारा इसमें ही होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया फंक्शन विदाउट इनपुट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो 4 टाइप्स में हम लोग यहाँ पर, अब पहला टाइप हम लोग देख चुके हैं, कैसे देख चुके हैं ये मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग पहला वाला टाइप अपना कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू,
फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट का मतलब होता है कि जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है, मेन प्रोग्राम हमारा कहां से स्टार्ट होता है, यहां से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है। तो फंक्शन को अगर हम लोग नीचे से इनपुट दे रहे, जैसे लगा फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, और फंक्शन खुद ही आंसर प्रिंट कर रहा, मतलब वैल्यू हम नीचे से दे रहे हैं और फंक्शन वैल्यू जो आंसर दे रहा है वो हमें कहां से दे रहा है, वो फंक्शन हमें जो आंसर दे रहा है वो कहां पे दे रहा है, खुद ही हमें आंसर दे रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझिए, यहां पे मैं आपको बताता हूं इसमें क्या है, ये देखिए वन मिनट, यहाँ पे सबसे पहले इस प्रोग्राम को समझिए। देखिए ये जो अभी हम लोगों ने प्रोग्राम किया हुआ है, इस प्रोग्राम में अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू कहाँ से दी है, अपने मेन प्रोग्राम से दी है। तो ये हो गया फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट, मतलब इनपुट हम भेजेंगे, तो इनपुट कौन भेज रहा हमारा, कॉलिंग प्रोग्राम इनपुट भेज रहा, ठीक है, और आंसर कौन दे रहा हमारा, फंक्शन दे रहा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पी वन आर वन की वैल्यू भेजी थी तो आंसर किसने दिया था हमें, फंक्शन ने दिया। तो यही क्या फंक्शन ने आंसर रिटर्न किया था, नहीं किया था, फंक्शन ने क्या किया था, आंसर हमें वापस किया था, ठीक है, सॉरी फंक्शन ने हमें क्या आंसर खुद प्रिंट किया था, वापस नहीं किया था। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, एक काम करते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम बता देता हूं मैं आपको, एग्जांपल से दो नंबर का एडिशन वाला बता देता हूं। जैसे एक फंक्शन बनाया मैंने एड नाम का, और मैंने यहाँ पे लिखा ए कॉमा बी, और इसके बाद मैंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, चाहो तो आप लिख सकते हो सी इक्वल टू ए प्लस बी, नहीं तो आप ए प्लस बी भी डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैंने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट करने में मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिशन इज इक्वल टू, जिसमें हमारा एडिशन है, तो एडिशन हमारा सी में है, सी प्रिंट होगा, जस्ट इसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम होगा, और यहां से मैंने क्या किया, कॉलिंग किया, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट। मैंने यहाँ पे भेज दिया 34 और मैंने भेज दिया 56, दो वैल्यू भेजी, तो ये तो हमारा डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन हो गया। ये होता है फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट, ठीक है, फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। अगर यहाँ पे ये फंक्शन एडिशन को प्रिंट ना करके हमें रिटर्न कर रहा होता तो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बदल जाता। तो ये हमारा जो पहला वाली मैंने हेडिंग बताई है, इसमें क्या है, फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। तो देखिए फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, इस कंडीशन में जो आंसर है हमारा वो कौन प्रिंट करके देगा हमें, हमारा फंक्शन ही प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर दिया है टाइप वन के नाम से, जो हमारा टाइप वन है वो ये बोलता है, तो टाइप वन के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, परफेक्ट इसका हमारा आंसर आया होगा। ये देखिए आंसर हमारा 90 बिल्कुल सही आया है, मतलब काम एक ही, ऐसा नहीं है आंसर अलग अलग आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, काम आंसर आपका एक ही आएगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। इस कंडीशन में हमने यहाँ पे इनपुट आर्गुमेंट भेजे और फंक्शन ने हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की, खुद आंसर प्रिंट करके दिया। ठीक है, तो पहला टाइप हमारा ये बोलता है इस, और दूसरी भाषा में इसको ये भी बोल सकते हैं, इन दिस फंक्शन हम लोग करते क्या है, जो कॉलिंग जहां पे कॉलिंग वाला पार्ट होता है वहां से वैल्यू भेजते हैं और फंक्शन हमें रिटर्न करता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा टाइप क्या है हमारा, दूसरे टाइप पे आ जाते हैं क्योंकि सारे टाइप आपस में जुड़े हुए हैं, फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। देखिए फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट, दोनों हेडिंग देखिए मैच करिए, ऊपर वाली इतनी बात तो क्लियर है, मतलब एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई, वैल्यू तो हमको भेजना ही है। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, मतलब ये वाला काम तो हमें करना है, लेकिन विद रिटर्न वैल्यू की बात हो रही है, तो जब विद रिटर्न वैल्यू की बात हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, फंक्शन अपना आंसर प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, फंक्शन आंसर प्रिंट नहीं करने वाला, तो ये क्या करेगा, इस वाले पार्ट में रिटर्न करेगा, जो मैंने सिंटेक्स यहाँ पे लिखवाया हुआ था, मैंने आपसे बोला था ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा रिटर्न क्या होगा, रिटर्न वेरिएबल। तो जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल क्या, हमारा सी है। अब इस कंडीशन में आपका फंक्शन रिटर्न नहीं, क्योंकि नाम क्या है हमारे टाइप का, फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट विदाउट, फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। ये देखिए फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है, इस कंडीशन में फंक्शन आंसर प्रिंट नहीं करेगा, रिटर्न करेगा। तो जस्ट हम लोग यहाँ पर एक कीवर्ड लगाएंगे रिटर्न सी, तो अब रिटर्न कौन करेगा, रिटर्न यही करेगा जिससे हमने कॉलिंग की थी। तो इस बार फंक्शन को हम डायरेक्ट कॉल ना करके इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट के अंदर डाल देंगे सीधा। ठीक है, और मुझे मैसेज के साथ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिशन इक्वल टू और कॉमा। तो इस बार हम लोग प्रिंट में देखेंगे, क्योंकि क्या होगा, ये जो 34, चलिए यहाँ पे वैल्यू बदल देते हैं, मैंने इसको 14 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्लॉक किया, अब क्या होगा, जैसे मेन प्रोग्राम से फंक्शन चलेगा, 14 हमारा ए में जाएगा और 56 हमारा बी में जाएगा, ये दोनों कैलकुलेट होंगे। कैलकुलेट करने के बाद रिटर्न सी, मतलब जो भी यहाँ पे आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे आंसर 70 आने वाला है, वो 70 किसके अंदर आ गया, सी के, और सी ने जस्ट यहाँ रिटर्न किया और प्रिंट लगाई हुआ था, तो यहाँ पे 70 अपने आप प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, मैंने F5 किया है, F5 प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप 2 के नाम से सेव किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे
कि यहाँ पे 70 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, सेकंड वाला टाइप था फंक्शन, इसलिए मैं एक प्रोग्राम से बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को बहुत ही क्लियर और बहुत ही इजी यहाँ पे लगे। नेक्स्ट हमारा टाइप क्या रह गया, ठीक है, समझ में आ गया ना, फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग एक और तरीका इसको करने का कि आप लोग क्या कर सकते थे, यहाँ कोई अदर वेरिएबल के साथ यहाँ पे कॉलिंग डाल सकते थे। जैसे मैंने एक अदर वेरिएबल लिया और मैंने यहाँ पे देखा 20.30 और ये जो फंक्शन है, क्योंकि इसको मैंने यहां से हटा दिया और जो वेरिएबल में मैंने आंसर लिया था, यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब जो रिटर्न होगा वो यहाँ होगा और वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एस के अंदर, और जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो किसको प्रिंट करेंगे, एस के अंदर, एस को हम लोग प्रिंट करेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। तो दोनों तरीके मैंने आप लोग को बता दिए, ठीक है। तो एक तरीका हमारा ये हो गया, या तो आप ये वाला भी कर सकते हैं या फिर आप वो वाला भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हमारे कर सकते हैं फंक्शन विद इनपुट आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट टाइप में हमारा जो टाइप है वो टाइप देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जो वो बोलेगा फंक्शन हम उनको वैसे ही करना है। चलिए कुछ फाइलें हैं ये क्लोज कर देते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट हमारा है फंक्शन विदाउट इनपुट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अब आप देखिए ऊपर वाली हेडिंग में ये चीज तो कॉमन है कि मतलब रिटर्न करेगा वैल्यू, लेकिन फंक्शन इस बार इनपुट आर्गुमेंट नहीं भेजेगा, मतलब फंक्शन की जो कॉलिंग जाएगी वो कैसी जाएगी, इस बार खाली मतलब ब्लैंक कॉलिंग जाएगी। तो इस कंडीशन में आज हम लोग ये वाला काम नहीं करेंगे, लेकिन रिटर्न तो होना है, ठीक है। तो अब ये काम करेगा कौन, ये देखिए ये चीज है, तो अब हम लोग यहां से हटा देते हैं क्योंकि यहां पे कॉलिंग हमें विदाउट करनी है। अब इस कंडीशन में फंक्शन आपका इस तरह से रहेगा, इस तरह से, ठीक है। चाहो तो आप लोग शायद इस तरह से देखना पड़ेगा, पाइथन में वन मिनट सपोर्ट करता है अगर वो वाला टाइप जो मैं आपको बता रहा हूं, या तो आप लोग यहां पे अगर वैल्यू डिफाइन करिए, सपोज मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया 10 और यहां पे मैंने डिफाइन कर दिया 20, ठीक है। और इसके बाद जैसे मैं F5 प्रेस करता हूं तो आंसर देखिए कितना आएगा, वन मिनट 30 अगर आ रहा है तो सपोर्ट कर रहा है, नहीं तो बहुत सारे तरीके होते हैं पाइथन में, ये देखिए 30। तो इस वाली कंडीशन में क्या हुआ है, पहले तो आप हेडिंग पढ़िए, फंक्शन विदाउट इनपुट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, मतलब फंक्शन रिटर्न तो करेगा, तो आंसर तो देखो फंक्शन ने सी को रिटर्न किया है, लेकिन फंक्शन क्या करेगा, आर्गुमेंट नहीं भेजेगा। तो इस कंडीशन में आर्गुमेंट किसके पास रहेंगे, अपने फंक्शन के पास रहेंगे, ठीक है। या तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो आपको पता है इस तरह से भी लिख देंगे तो यहाँ पे देखो कुछ भेज तो रहे नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी है तो भेजने की जरूरत नहीं है। तो F5 जो हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो परफेक्ट हमारा आंसर यहाँ पे 30 आ रहा है। नहीं तो आप लोग इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको हटा दिया, इसके बाद आप लोग क्या करें, A की वैल्यू यहाँ डिफाइन कर दें, जैसे मैंने डिफाइन कर दी 40 और यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दी ऐसे की वैल्यू 60, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 100, और F5 मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे आपका 100 आंसर आ जाएगा। तो ये भी देखिए वही है, क्या है, फंक्शन विदाउट इनपुट आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड टाइप था जो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लास्ट टाइप हमारा और रह गया है जो कि हमारा रह गया फंक्शन विदाउट इनपुट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, एक्चुअली विद रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विदाउट इनपुट, ये तो दोनों सेम हो गए ना। यहाँ पे अपन को क्या, कौन सा वाला टाइप रह गया था, फंक्शन विदाउट इनपुट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, है ना, एक हमारा विदाउट वाला और रह गया। बाकी तो देखिए हम लोग अपने सारे टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। तो इनपुट आर्गुमेंट इस बार भी नहीं देंगे और इस बार रिटर्न भी नहीं होगा, तो क्या होगा, इस बार ये वाला पार्ट भी नहीं होने वाला, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, कॉलिंग करेंगे। अब ये वाला पार्ट करेगा कौन, ये देखिए यही प्रोग्राम है, बिल्कुल सेम प्रोग्राम है, जस्ट यहाँ पर प्रिंट हटा के हम लोग यहाँ पे लगा देंगे और जो आंसर है हमारा वो हम लोग यहाँ पे सी को प्रिंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमारा सीधा सीधा रोल रहेगा, जैसे मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा सेम है, यहाँ मैंने 50 कर दिया, यहाँ पे मैंने 10 कर दिया। अब यहाँ से जस्ट हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है, ये जस्ट फंक्शन को अपन ने इन्वोक किया, मतलब कॉल किया। अब देखिए जरा, फंक्शन विदाउट इनपुट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न है, फंक्शन विदाउट इनपुट आर्गुमेंट, देखिए फंक्शन पूरा खाली है ना, फंक्शन में कुछ नहीं, तो फंक्शन का मतलब फंक्शन विदाउट इनपुट आर्गुमेंट एंड उसके बाद विदाउट रिटर्न वैल्यू, तो देखिए फंक्शन ने कुछ रिटर्न नहीं किया। तो इस कंडीशन में फंक्शन को सिर्फ हम लोग कॉल कर रहे हैं, फंक्शन का कैलकुलेशन और फंक्शन का जो काम है प्रिंट करने का वो सब कुछ कौन कर रहा है, पूरा फंक्शन ही कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट वाला टाइप था, जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 60 आंसर आया जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर। तो ये फंक्शन के हमने चारों टाइप भी आज अपने खत्म कर लिए हैं। आई होप आप लोग क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना फंक्शन को कम्प्लीट कर देंगे, क्योंकि अभी फंक्शन के दो तीन टॉपिक और रह गए हैं, जैसे नेम्ड आर्गुमेंट रह गया हमारा, ठीक है,
और भी दो तीन टॉपिक रह गए, रिकर्सन रह गया, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने फंक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो और हाँ, मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि कल संडे, कल हमारी स्पेशल क्लास आने वाली है, और कल की स्पेशल क्लास में मैं आप लोगों को जो हमारा चैप्टर था लिस्ट, सिक्वेंस डेटा टाइप लिस्ट, उसके बारे में कल मैं आप लोगों को टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूँ शाम 7 बजे, ठीक है ना। बाकी कम्युनिटी टैब पे आप लोग देख लीजिएगा, कम्युनिटी टैब पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो बिल्कुल भी कल की क्लास को आप लोग मिस मत करिएगा। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोग कंट्रोल स्टेटमेंट के टॉप 50 एमसीक्यू कराए थे, कल हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर के। इसी तरह से मैं हर संडे को आपके लिए स्पेशल क्लास लाता रहूंगा, जिसमें आप लोगों को एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी लोगों को जो भी नोटिफिकेशन है एग्जाम से रिलेटेड जो भी होता है, या फिर जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, सब कुछ आप लोगों को मिल सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर